एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कैफे। आज मैं आपको स्थानीय मान एवं अंकित मान के विषय में बताऊंगी। ये जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक जूनियर क्लासेस से स्टार्ट हो जाता है और इवन जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी ये वाला टॉपिक जरूर इंक्लूड होता है। और बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, स्थानीय मान, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, और एक होता है हमारा अंकित मान जिसे हम कहते हैं न्यूमेरियल वैल्यू। मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। सपोज मेरे पास नंबर है 5341। अब मुझे इसके कितने डिजिट का नंबर है, ये 4 अंकों का है, इकाई का अंक 1, दहाई का अंक 4, सैकड़े का अंक 3 और हजार का अंक 5। अगर मैं इस संख्या में हर एक अंक का स्थानीय मान निकालूं तो देखो मैं कैसे निकालूंगी। एक का स्थानीय मान क्या होगा, एक जो है वो किसका अंक है, इकाई का। तो इस एक को हम इकाई से गुना करते हैं, इकाई क्या है हमारी, एक। तो एक मल्टीप्लाई एक इज इक्वल टू एक, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा दहाई का अंक है 4, तो मैं इसका स्थानीय मान देखो कैसे निकालती हूँ, 4 गुना में दहाई, दहाई की वैल्यू कितनी होती है 10, तो 4 गुना 10 बराबर 40। आगे है 3, 3 किस पे है, सैकड़े पे, तो 3 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा, 3 गुना सैकड़ा, सैकड़ा कितना हुआ 100, तो 3 गुना 100 बराबर 300। उससे अगला है अंक 5, 5 किस पे है, हजार पे, तो 5 का स्थानीय मान क्या हुआ, 5 गुना हजार, तो कितना आया हमारे पास 5000। तो हमारे पास ये 4 अंकों की संख्या थी, हमने इन 4 अंकों का स्थानीय मान बताया यानी प्लेस वैल्यू बताई। क्या आई, एक की प्लेस वैल्यू 1 है, 4 का स्थानीय मान 40 है, 3 का स्थानीय मान 300 है, 5 का स्थानीय मान 5000 है। सिंपली हमने क्या करना है, जो इकाई का अंक है उसको 1 से गुना, दहाई के अंक को 10 से गुना, और सैकड़े के अंक को 100 से गुना, हजार के अंक को हजार से गुना। आगे अगर हमारा 10,000 होता, लाख होता, तो उसी के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई कर लेते। अब आपने ये चेक करना है कि आपने ठीक निकाला या नहीं, आप इन सबको प्लस करके देखो, ये आता है 5000 जमा 300 जमा 40 जमा 1, जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5341। इसका मतलब आपने इसका प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान बिल्कुल ठीक निकाला, ठीक है जी। अब आगे हम करते हैं अंकित मान। मान लो मेरे पास यही संख्या है 5341, इनमें फिर यही 4 अंक हैं, 1, 4, 3, 5, इनका मैं अंकित मान निकालती हूँ यानी न्यूमेरल वैल्यू, 1 का अंकित मान। अंकित मान क्या होता है, न्यूमेरल वैल्यू क्या होती है, वही जो अंक का मान है। एक का अंकित मान क्या है, 1, 4 का अंकित मान क्या होगा, जो इसकी वैल्यू है, जो इसकी मान है, क्या मान है 4 का, 4, तो इसका अंकित मान यही हो गया। 3 का अंकित मान क्या हुआ, 3 का अंकित मान आया 3 और 5 का अंकित मान आया 5, 5 का अंकित मान बराबर 5। अगर और संख्या बड़ी होती तो आगे जितने भी अंक जुड़ते जाते उनका अंकित मान वही आता जाता। कहने का भाव क्या है कि अंकित मान में हमारा जो डिजिट है, जो अंक है, वही का वही रहेगा, जबकि स्थानीय मान में वो कौन से स्थान पे है, उसके स्थान का मान क्या है, उसकी प्लेस की वैल्यू क्या है, हम वो लिखते हैं। तो पेपर में आपको दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या तो स्थानीय मान और अंकित मान पूछा होगा, या फिर इससे आगे और क्या क्या पूछा जा सकता है। मान लो मेरा क्वेश्चन 1 है, संख्या यही है, इस संख्या में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का योग बताओ, अंकित मान का योग बताओ, ठीक है जी।
तीन का स्थानीय मान मैं यहाँ निकाल चुकी हूँ, तीन का स्थानीय मान क्या आया 300, तो हमारा उत्तर क्या बनेगा 300, और तीन का अंकित मान क्या आया 3। क्या करना है दोनों को, योग, योग का मतलब प्लस, तो 300 जमा 3 प्लस होके क्या बन गया 303। तो ये क्या आया हमारा तीन का स्थानीय मान और तीन के अंकित मान का योग। अब देखते हैं, मान लो दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, तीन का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर बताओ। अंतर, अंतर का मतलब क्या हुआ डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या हुआ घटा, यानी हमने दोनों को क्या करनी है घटा करनी है, दोनों को माइनस करना है। तीन का स्थानीय मान क्या निकाला था अभी हमने 300, और तीन का अंकित मान क्या निकाला था अभी हमने 3, दोनों का क्या निकालना था अंतर, अंतर का मतलब माइनस। 300 में से जब 3 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 297। ठीक है जी, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तीन का स्थानीय मान, स्थानीय मान तथा अंकित मान मान का गुणनफल बताओ, गुणनफल बताओ। गुणनफल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हमने इनको गुणा करनी है। तीन का स्थानीय मान कितना आया 300, और तीन का अंकित मान कितना आया 3, हमने क्या निकालना है गुणनफल। गुणनफल का मतलब गुणा यानी मल्टीप्लाई, तो 300 को 3 से गुणा करेंगे क्या उत्तर आएगा हमारा 900। ठीक है बच्चों, इसी तरह से ये मैं 3 का निकाल रही हूँ, हो सकता है 5 का पूछा जाए आपसे, 5 के स्थानीय मान और 5 के अंकित मान का योग बताओ, तो 5000 को 5 में प्लस कर दो, 5 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताओ, तो 5000 में से 5 को घटा दो। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 5 का स्थानीय मान लो और 1 का अंकित मान लो, इनका गुणनफल बताओ, तो यहाँ से 5000 ले लो, यहाँ से 1 ले लो, गुना कर लो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये आपको कंसेप्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमें किस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। 5 के स्थानीय मान को 4 के अंकित मान से भाग दो, भागफल का क्वेश्चन है ये हमारा। 5 के स्थानीय मान, हाँ जी, 5 का स्थानीय मान कितना निकाला हमने 5000, भाग करनी है किससे, भाग करनी है 4 के अंकित मान से, 4 का अंकित मान क्या निकाला मैंने 4, तो 5000 को जब 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा उत्तर 1250। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 1 के स्थानीय मान को 3 के अंकित मान से गुणा करो, 1 का स्थानीय मान क्या आया 1, गुणा करनी है तो गुणा का निशान, 3 के अंकित मान से, 3 का अंकित मान कितना आया 3, तो 1 गुना 3 बराबर 3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो आज मैंने जो टॉपिक लिया स्थानीय मान और अंकित मान, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू एंड न्यूमेरल वैल्यू, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जूनियर क्लासेस के सिलेबस को भी कवर करता है, साथ में हमारे काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे HTET, CTET, क्लर्क्स ग्रेड एग्जामिनेशन, उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस ऑन लाइक बटन एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन बेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।